हेलो गाइस, मैं सुनीत कुमार और आप जुड़ रहे हैं सीजीएस कोचिंग सेंटर के साथ। यहाँ पे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम्स की। गाइस, लास्ट वीडियो में हमारी जो क्लास थी, उस क्लास के बाद आज हम लेकर आए हैं आपका नया टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, जो हमारे बॉडी को आकार देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। जानते हैं आज हम कंकाल सिस्टम के बारे में कि हमारे शरीर के किस भाग में कितनी हड्डियां हैं, बोन्स के टाइम में कितनी हड्डियां होती हैं, सॉरी जो बोन होता है, बोन के टाइम में कितनी हड्डियां होती हैं जब बच्चा पैदा होता है, और फिर उसके बाद एडल्ट में कितनी बोन्स हैं, उन बोन्स का क्या क्या काम है, कैसे कैसे वो काम करती हैं, किस बॉडी में कौन सी बोन है, उसका क्या कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आपके स्लाइड्स। स्केलेटन सिस्टम देखिए गाइस, स्केलेटन सिस्टम की स्टडी की हम बात करें, स्केलेटन सिस्टम की स्टडी जो है वो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्टडी को कहते हैं हम ऑस्टियोलॉजी, और जो हमारे जॉइंट्स की स्टडी है उसे कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, हमारे स्केलेटन सिस्टम में जो हमारी हड्डियां बनी होती हैं, हड्डियों के की हड्डियां चार प्रकार के सेल से बनती हैं, चार प्रकार के जो हमारे सेल्स हैं उनसे हमारी हड्डियां बनती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइटिस एंड ऑस्टियोजेनेटर, और ऑस्टियो उसको हम ऑस्टियोजेनिक भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइटिस एंड ऑस्टियोजेनिक। ठीक है, इन चार प्रकार के बोन से सॉरी सेल से हमारे जो है बोन का निर्माण होता है, और जो बोन होती है हमारी आपका रेखा एक सॉफ्ट में होती है और स्मूथ होती है, और टुकड़ों में काफी प्रकार के जोड़ों में बोन हमारी जो है पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम हमारी बोन्स किस प्रकार के टिश्यू से बनती है। सेल तो हमने भी पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं टिश्यूज की। टिश्यूज जो हमारे बोन के, वो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, सख्त बनाता है। दूसरा होता है हमारे स्पंजी टिश्यू, जो बोन को इंटरनल साइड से स्पंजी रखता है। आपने देखा होगा हड्डी जो बाहर से सख्त होती है और अंदर से खोखली होती है, ठीक है, उसके बाद भी बाहर से वो सख्त होती है। हड्डियां बनने का कौन कौन से तत्व जो होते हैं हड्डियों के बनाने के मेन कारण होते हैं तत्व। हड्डियों में सिर्फ दो तत्व होते हैं मेनली, आपका कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के मिश्रण से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है, ठीक है, और इनकी जो तंदुरुस्ती बना के रखती है वो रखता है आपका कैल्शियम, विटामिन डी। कैल्शियम भी इनके तंदुरुस्ती बनाने में सहायक होता है, और बहुत ज्यादा सहायक जो है विटामिन डी होता है। विटामिन डी से जो रोग होते हैं हड्डियों के, रिकेट्स जो नॉर्मली आम रोग है वो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बोन डिजीज की। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो बोन की स्टडी है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, और जो हमारे जॉइंट्स की स्टडी है उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी। जॉइंट्स आपके कंधे का है, घुटने का है, एल्बो का है, गर्दन का है, जो इनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट गाइड्स। ठीक है, बात करते हैं हम बोन टिश्यूज की, बोन सॉरी बोन डिजीज की। बोन डिजीज की हम बात कर रहे हैं, टोटल जो बोन डिजीज है वो है हमारी रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से जो आपको होती है, आपने पढ़ाई है, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर बोन्स जो है वीक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हमारी एक बोन डिजीज, जिसके हमारा एक एज के बाद हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमारे जो डाइट है, डाइट के अंदर कैल्शियम उतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में हमें जरूरत होती है। और वैसे भी आज के टाइम में आप देख रही हैं कि देख रहे हैं रही हैं रहे हैं कि हम लोग अपनी डाइट कितना कम कर दी है। हम लोग मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं मोस्टली, ये चीजें फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलती हैं कि वो दूध से और दूध के बने उत्पादों से जो है दूरी बना के रखती हैं, उन्हें अवॉइड करती हैं, जबकि कैल्शियम की सबसे ज्यादा जो पूर्ति करता है वो मिल्क करता है, ठीक है, और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम की ज्यादा पूर्ति करते हैं, पर नहीं करते क्यों, उन्हें लगता है कि हमारा जो है शरीर का आकार खराब हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, फैट निकल आएगा हमारा। अरे सर, वो तो निकल आएगा, ठीक है, उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन, एक्सरसाइज से अच्छी दवा तो कोई है ही नहीं कि आप जो भी खाएंगे वो बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया भी हमारी जो हड्डी की डिजीज है, इसके अंदर विटामिन डी की जो है वो कमी हो जाती है, जिसके अंदर ये आपका बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्टियोजेनेसिस की हम बात करते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस जो है आपका एक
डिफॉर्मिटीज है, ठीक। इसके अंदर भी जो हमारी हड्डियां हैं जो वीक हो जाती हैं, और जो आपका नई हड्डी जो बन रही होती है, हमारे जो बोन मैरो के टिश्यूज है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, नई हड्डी बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी रिपेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पिकेट डिजीज की बोन की बात करते हैं। पिकेट जो पैकेट जो डिजीज है वो उसके अंदर क्या है, जो हमारी जो बोन की रिप्लेसमेंट होती है बोन मैरो से, उसमें वो रिप्लेसमेंट का जो काम है, जो प्रोसेसर है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं हो पाता, ठीक है। ऑर्थोपेडिस जो है डिजीज है वो है गठिया बाग की डिजीज। गठिया बाग मतलब जॉइंट्स के ऊपर जिसको गांठ हो जाती है वो गठिया बाग डिजीज है, वो ऑर्थोपेडिक्स की डिजीज। ये मोस्टली जो ओल्ड एज में है, बुढ़ापे में, या फिर खाने का जो संतुलन अच्छे से नहीं बन पाता उस वजह से, या फिर कोई आपको चोट लगती है तब उस वजह से, काफी रीजन है इसके होने के, तो गठिया बाग की वजह से भी हमारी हड्डियों को काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आपका जो है कॉमन इफेक्ट्स क्या है स्केटल सिस्टम के, जो हमारे डेकोरेट। सबसे पहले तो कॉमन इफेक्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे लुकोमिया की। लुकोमिया आपको पता है एक ब्लड कैंसर का जो नाम है, लुकोमिया ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। और परंतु आपको भी बता दो कि हमारे बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स आरबीसी जो है इनका निर्माण होता है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का भी। तो लुकोमिया क्या है कि इससे रिलेटेड ब्लड कैंसर की डिजीज है खून से रिलेटेड, तो ये हमारे जो अस्थि पंजर है स्केटन जो हमारा सिस्टम है जो टोटल पूरा हमारे सिस्टम को जो है इफेक्टिव करता है, ठीक है। इस बीमारी कोई भी हो अगर वह शरीर में है तो वह पूरी की पूरी हमारे तंत्र को जो है सिस्टम को इफेक्टिव करेगी करेगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका साइक्लोसिस जो है आपका एस टाइप की कर्व है। ये हमारे पोस्चर डिफॉर्मिटीज है जो इसको हम जो आपका आपके हेल्थ पोस्चर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा अपने 11th 12th क्लास के सब्जेक्ट में कि पोस्चर डिफॉर्मिटी साइक्लोसिस है आपका, काइपोसिस है, लोर्डोसिस है, लोर्डोसिस, साइक्लोसिस, काइपोसिस, ये सारी हमारी पोस्चर डिफॉर्मिटीज है। साइक्लोसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है एस शेप में जो है वो बैंड हो जाती है। देखिए किस प्रकार से जो है आपकी साइक्लोसिस यहाँ पे एस शेप में, ये जो एस है इस शेप में जो है हमारी हड्डी जो है बैंड हो जाती है, इसको कहते हैं साइक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइपोसिस। काइपोसिस में जो है हमारी जो बोन है वो फॉरवर्ड की तरफ मतलब आगे की तरफ जो है सामने की तरफ जो है राउंड हो जाती है, और इसके ठीक अपोजिट होता है लॉर्डोसिस। इसमें क्या है कि इनवर्ड की तरफ हमारी जो बोन है वो बैंड हो जाती है, राउंड हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया जो है आपका बोनलेस डिजीज है। इसके अंदर जो है हमारी हड्डियां जो नई हड्डियां जो हमारी बनती है वो बन नहीं पाती। इस डिजीज से क्या है कि आपका जो हड्डियां हमारी जो नई हड्डियां बनती है वो बन नहीं पाती, और उन्हीं की वजह से जो है हमें ग्रोथ में प्लस हमारी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि नई हड्डियों का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो कई बच्चों को अपने केसेस आते हैं कि उनके बोन मैरो से बोन मैरो ट्रीटमेंट होता है उनका और निकाल के देखा जाता है, तो ये सब बोन्स की जो है हमारी डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सर, प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की तरफ हम आते हैं। देखिए अभी तक तो हमने जो पढ़ा स्टडी ऑफ द बोन हमने पढ़ा यहाँ पे, उसके बाद हमने जो देखा था कि कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन से वो बोन्स के आपके सिम्टम्स हैं जो हमारे स्केलेटन सिस्टम को टोटल इफेक्टिव करते हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कितने भागों में बांटा गया, हड्डियों को जो हमारे शरीर के कंकाल तंत्र को जो है आपका क्लासिफिकेशन, स्केटल सिस्टम, स्केटल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है इसको जो है ना आपके दो भागों में बांटा गया, एक है आपका एक्सल, दूसरा है आपका अपेंडिकुलर। एक्सल जो है हमारा नेक के ऊपर के भाग जो होता है जिसके अंदर आपका फेशियल बोन्स आती हैं, क्लविकल बोन्स आती हैं, ठीक है, और सेम बोन्स फेशियल बोन्स आती हैं, सेम बोन्स बोन्स आती हैं, ये बोन्स आपकी आती हैं, प्लस आपकी ईयर बोन्स भी आती है जिन्हें हाइड बोन्स भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो छुपी हुई हाइड बोन्स है, ईयर बोन्स है, टोटल मैं आपको बताऊं कि एक्सल के अंदर जो हमारे फेस में टोटल 80 हड्डियां होती हैं, 86 बोन्स हैं हमारे इसमें, और इसके अंदर साथ में हमारी जो एक्सल में हमारी जो बैक रिप्स है, रीढ़ की हड्डी जो है उसकी हड्डियां भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, रिप्स भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि इसके अंदर 80 बोन है, हड्डियां हैं हमारे जो एक्सल में, और 6 हड्डियां जो काउंट नहीं होती वो होती है कान की। कान की जो 6 हड्डियां हैं वो हम गिनते नहीं है,
ठीक है, परंतु सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज है वो हमारे कान की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा सात पार्ट है जिसका अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर को भी यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक किया गया आपका अपर लिम, दूसरा किया गया आपका लोअर लिम। अपर लिम में जो है आपके कमर से ऊपर के भाग के जितने भी हड्डियां हैं, टोटल 64 बोन्स हमारे अपर पार्ट में वो, और लोअर पार्ट में जो है हमारे आपका 66 बोन्स, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है। गाइज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो हम मैंने बात की थी बोन्स के टाइम में हमारी कितनी, सॉरी जब हम बोन होते हैं, न्यू बेबी बोन होता है, तो कितनी बोन्स होती है टोटल। जब न्यू बेबी बोन होता है तो टोटल 270 बोन्स हमारे होते हैं। उसके बाद एज टू एज डिडक्ट होते 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 आपका जो है लास्ट में अडल्ट एज में आकर मात्र 206 हड्डियां ही हमारे पास बचती हैं। 270 बोन्स जो है हमारी, उसमें से 206 हड्डियां, बाकी की हमारी 64 बोन्स जो है वो एक दूसरे में चिपक के पूरी हड्डी का रूप ले लेती हैं। क्योंकि जब बच्चा बेबी, जब कोई बच्चा बोन होता है तो उसकी काफी हड्डियां जो है लचीली होती हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होती हैं, और उस टाइम वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्केलेटन का जो है, हड्डियों का जो है अपना खुद का एक सिस्टम होता है, वो जैसे कि हमारा ब्लड सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, वैसे ही स्केलेटन का खुद का एक सिस्टम होता है। वे अपनी ग्रोथ, अपनी जो उनकी जरूरत की चीजें होती है वो खुद बनाते हैं और उनसे खुद को डेवलप कर भी करती हैं। तो उसी प्रकार जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो अडल्ट एज की हो जाता है, तो धीरे धीरे स्केलेटन सिस्टम अपना आपको डेवलप करता है, अपग्रेड करता है, और उसके बाद वो जो है हड्डियां कम होते होते मात्र 206 बच जाती हैं। ठीक है, चलिए हम आपको अभी बताते हैं कि टाइप ऑफ बोन्स आपका जो है। ठीक है, ये तो था क्लासिफिकेशन, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ बोन की। हड्डियों के कितने प्रकार है? देखो हड्डियों के प्रकार जो है टोटल आपके वो पांच है। पहले तो आपकी ये लॉन्ग हड्डी, लंबी हड्डी। लंबी हड्डी में जो आपका काउंट होता है वो आता है आपका फीमर, थाई की हड्डी। जो थाई की हड्डी फीमर है वो सबसे लंबी हड्डी है। उसके बाद जो आपको जो नेक्स्ट देखने के हमारे आर्म की जो है, आपकी ह्यूमरस बोन जो है वो भी लंबी हड्डियों में काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में आपकी ईयर की बोन जो है स्टेपिज, कान की जो हमारी हड्डी है स्टेपिज, वो सबसे छोटी हड्डी है। पर अगर ऑप्शन में आपको स्टेपिज नहीं मिलता है तो हमारी फिंगर्स की जो बोन्स है वो भी शॉर्ट बोन्स में काउंट की जाती है। ठीक है, आपका जो फिंगर्स की हमारी बोन है, मेटाकार्पल्स है, फ्लैंगस है, मेटाकार्पल्स है, फ्लैंगस है, ये जो आपका मेटाकार्पल्स हो गई, फ्लैंगस हो गई, तो ये भी हमारी जो है शॉर्ट बोन के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, फ्लैट बोन जो हमारे शरीर में है वो कहां पे? आपके शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है, फ्लैट बोन में देखने को मिलते हैं। स्कैपला का जो भी शेप है, ठीक, आपके शोल्डर ब्लेड्स जो है वो फ्लैट बोन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिसामाइड बोन्स की हम बात करते हैं। सिसामाइड बोन्स जो है आपके जो छोटे छोटे मनगर के टाइप के टुकड़े होते हैं वो आपके जॉइंट्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि रिस्ट का हो गया हमारा, या फिर आपका टखने का, एंकल का जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स, इन जॉइंट्स के आसपास जो हड्डी, जो जोड़ों के बीच में जो उनके जो गैप रहता है, उनको जो छोटे छोटे मनके जो हैं वो भरते हैं, उन्हें हम सिसामाइड बोन्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आपका बोन्स, ये आपका जो फेस की टोटल बोन्स है, या फिर आपका वो बोन्स जो है आपका इनरोगेबल बोन्स के अंदर काउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपना जो है क्लासिफिकल बोन्स के बाद क्लासिफिकल ऑफ जॉइंट्स, कि कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। देखिए जॉइंट्स मेनली तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम सेंथ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, सेंथ्रोसिस जोन के नाम से भी इनको हम कहते हैं। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका शोल्डर का जॉइंट्स है, आपके शरीर के बाहर से दिखने वाले जो भी जोड़ है, गर्दन का जोड़ जिसमें आप मूवमेंट कर सकते हैं, जिनमें आप हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, वो सब फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम जो है साइंटिफिक नेम इनका सेंथ्रोसिस नाम है। ठीक, और मोस्टली क्या है जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो हमसे पूछता है कि जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है इनका साइंटिफिक नेम क्या है और इन्हें साइंस जो है किस नाम से जानता है। तो गाइज हमें ध्यान रखना है कि जो साइंटिफिक नेम है वो इनका जो साइंटिफिक नेम आता है वो साइंथ्रोसिस नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलेंटली मूवेबल। साइलेंटली मूवेबल जॉइंट्स जो है आपके पेल्विक के जॉइंट्स होते हैं, वो पेल्विक के जॉइंट्स जो आपके साइलेंटली मूवेबल हैं, जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन मूवमेंट्स में, उन जॉइंट्स के अंदर कुछ हरकत ऐसी होती है जो कि इजिली विजुअल नहीं है बट मूवमेंट होती है। ठीक है, साइलेंटली मूवमेंट्स कहा गया है। नेक्स्ट जो आपका जो जॉइंट है वो टाइप है वो है इनमूवेबल जॉइंट्स। ये इनमूवेबल जॉइंट्स जो हमारे रिब्स केज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद जो आपका फेस का है, मैंडेला को छोड़ के, मैंडेला हमारे जो फेस में है एक्सल के अंदर, सॉरी फेस में
नेक से ऊपर, नेक के ऊपर के जो जॉइंट्स है उसमें सिर्फ मैंडेला आपका एक ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल है, जो आपके जबड़े में मिलता है देखने को। जब आप बात करते हैं, खाना करते हैं तो मुंह खोलते हैं तो भी ये जॉइंट्स जो है काम करता है, ठीक है। जब आप मूव आपका बंद रहेगा, नीचे वाला मैंडेला जॉइंट्स जो है आपका वो खुलेगा, ठीक, तभी तो आप खा पाएंगे। अगर मैंडेला जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। तो मैंडेला जॉइंट्स जो है हमारा, जो ये नीचे जबड़े का जॉइंट है, सिर्फ इसके अंदर मूवमेंट होती है, बाकी जो जॉइंट्स है उसके बाद हमारे वो जॉइंट्स जो हैं उनमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा स्कल है। तो ये जो है एटलस के ऊपर टिका है और एटलेटिक एक्सिस के ऊपर। तो ये जो जॉइंट है यहाँ का, ये जॉइंट हमारा पिवट जॉइंट है, क्योंकि हम आप देखना देखेंगे कि हम अपनी गर्दन को जो है किसी प्रकार से मूव कर सकते हैं, मतलब पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, राउंड 360 डिग्री जो है इसको हम मूवमेंट कर सकते हैं। और पिवट जॉइंट से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि 360 डिग्री हम किस जोड़ को जो है घुमा सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर इजिली इसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एक यही मात्र जॉइंट ऐसा है जो 360, वैसे 360 जो है बॉल एंड सॉकेट या मेन शोल्डर जॉइंट के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि शोल्डर्स को हम 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं, पीछे आगे दाएं बाएं जो है शोल्डर्स के जॉइंट्स को हम मूवमेंट कर सकते हैं। परंतु ये आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को डायरेक्टली आप 360 जॉइंट्स के लिए नहीं रिकमेंड कर सकते, क्योंकि वहां पे आपका बॉल एंड सॉकेट आता है आपके थाई जॉइंट्स में भी, और थाई को जो है आप एक गोल आकार से 360 नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ शोल्डर को आप घुमा सकते हैं। तो इसीलिए थाई की वजह से, अगर शोल्डर जॉइंट आपके ऑप्शन में आता है कि ऐसे कौन सा जोड़ है जिसको 360 डिग्री मूव किया जा सकता है, वहां पे आपका पिवट जॉइंट ऐसे दे रखा है, गर्दन का जोड़, कंधों का जोड़, कोहनी का जोड़, कलाई का जोड़। देखिए रोटेट, कलाई की जो रोटेशन है, ठीक है, जो ये हमारी रिस्ट है, और जो हमारे रिस्ट की ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन कहते हैं, ये भी 360 राउंड कर रही है, पर इसमें 100% श्योरिटी नहीं है 360 राउंड की। तो आप गर्दन और कंधे के जोड़ को जो है टिक कर सकते हैं, अगर वहां पे इस प्रकार से पर्टिकुलर जॉइंट्स के हमारे नाम दिए हुए हैं, जैसे नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, तो आप उस हिसाब से जो है पिवट और शोल्डर जॉइंट्स को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वहां पे आपको जॉइंट्स जैसे दिए गए ऑप्शन में कि पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट या शेडल जॉइंट, तो आप सिर्फ पिवट जॉइंट को टिक कीजिएगा, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट के अंदर दो जॉइंट्स आपके इंक्लूड है, एक आपका शोल्डर का, दूसरा थाई का। तो थाई का जो जॉइंट्स है वो 360 डिग्री के एंगल में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो जॉइंट है अगला, वो है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट आपका कब्जेदार जॉइंट भी इसका नाम से जाना जाता है, हिंग जॉइंट को जो है कब्जेदार जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और हिंग जॉइंट को जो है गेट या दरवाजे के नाम के नाम जोड़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे दरवाजा जो है 180 डिग्री पर मूव करता है, 180 डिग्री से ज्यादा आपका डोर जो है मूव नहीं करेगा, वैसे ही आपका जो हिंग जॉइंट है, एल्बो है, एल्बो जो है आपका ये 180 डिग्री पे ही मूव करता है। देखिए ये एल्बो है, ये मैंने बेंड की, राइट, और ये मेरा फिर ओपन हो गया, पर ये अब मुझसे इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर मैं यहां प्रेशर डाल के ऊपर से प्रेशर डालू तो यहां से मेरा जो जॉइंट है टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो 180 डिग्री के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो ये जो आपका है इसका जो नाम है, इसे कब्जेदार जॉइंट भी कहा जाता है, इसे गेट जॉइंट भी कहा जाता है, इसे 180 डिग्री के एंगल के मूवमेंट की भी जॉइंट कहा जाता है। यही आपका जो सेम है वो आपके नी का है, नी आपके जो एल्बो है पीछे आपके हिप को तो टच करेगी, बट आगे से जो आपका टो है वो आपकी थाई को टच कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर पटेला जो है वो उसको रोक लेता है, राइट। पटेला आपका जो घुटने का, टकने का जो कैप है, नी कैप जिसको कहते हैं, पटेला को नी कैप भी कहा जाता है, तो वह उसको रोक लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जॉइंट की बात करते हैं। देखिए हिंग जॉइंट कहाँ कहाँ है, हिंग जॉइंट आपका एल्बो में है, उसके बाद नी में है, राइट। नेक्स्ट हम जॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने अभी बताया था आपका कंधे का जोड़ और हिप का जोड़, कंधे का जोड़ और हिप का जोड़, ये आपके जो जोड़ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें एक साइड बॉल होता है और एक साइड सॉकेट होता है, इस शेप को जो हम देखेंगे, देखें सपोज दैट
इस प्रकार से आपकी जो है ह्यूमरस है या थाई है, ये आपका शॉक बॉल है और इसके अंदर जाएगा जो ये जो है आपका सॉकेट है। ठीक है, ये ऐसा होता है, गेंद गेंद के साइड का होता है, एक सॉकेट के साइड का होता है और ये इसके अंदर फिट हो जाता है, तभी तो यही वजह है। और ये यहां पे जो है आपके तीन प्रकार के जोड़ होते हैं जिन जोड़ों से रुकावट रुका हुआ रहता है, और यही वजह है कि जब कभी हमारा कंधा उतर जाता है, शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको आकर हम उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें आपका प्लास्टर की या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आती कि कंधा उतर गया तो दोबारा नहीं चढ़ सकता। ये एक नॉर्मल आपका जो है डिसलोकन इंजरी है, जिसको आपको कोई भी जानने वाला जो इस चीज को चढ़ाना अच्छे से जानता है तो वो इजिली कर सकता है। ठीक है, तो शोल्डर आपका यही सेम थ्योरी जो है आपकी थाई के लिए आती है, और जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो आपका थाई और शोल्डर का जोड़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आपका सैडल जॉइंट की। देखिए गाइस, सैडल जॉइंट्स जो है यूनिक जॉइंट है, ये जो है ना हमारे थंब में, थंब के अंदर जो है देखने को मिलता है सैडल जॉइंट्स। ठीक, ये आपका जॉइंट्स जो है थंब में देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट जो है हमारा अंगूठे का जोड़ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है आपका आपका जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो फिसलने वाला जोड़ होता है। ये आपका कार्पल टार्सल कलाइयों में, इनमें देखने को मिलता है। जो आपकी रिस्ट है वहां पे भी, आपके कार्पल बोन्स में भी ये जॉइंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। राइट, चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसलोकेशन और लोके आपका डिसलोकेशन की। देखिए, डिसलोकेशन क्या दो प्रकार के होते हैं, एक सब सबलोकेशन, दूसरा आपका जो है प्रॉपर डिसलोकेशन। सबलोकेशन जो है आपका जिसमें आपकी हड्डी जो है पूरी तरह से अलग हो गई है, निकल चुकी है, जैसे एक कंधे का डिसलोकेशन हो जाता है, और एक जिसमें आधी निकली हुई है और अटकी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या है हम डिसलोकेशन जॉइंट जो है इसको हम देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम अपना देख रहे हैं गाइस, डिसलोकेशन जॉइंट्स के बाद जो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे कुछ पॉइंट्स की, डिसलोकेशन जॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। डिसलोकेशन जॉइंट वो जॉइंट, एक दो तरह प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक जिसमें हड्डी पूर्णता अलग हो जाती है और एक वो जिसमें हड्डी पूर्णता अलग नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ा यहां पे आपका बोन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बोन्स जॉइंट्स और उसके बाद डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन, मैंने आपको बताया था ह्यूमरस और फीमर जो है हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे हड्डी पाई जाती है। उसके बाद शॉर्ट्स बोन जो है आपके स्टेपेज, आपके कान की जो हड्डी है वो शॉर्ट्स बोन्स यहाँ पे कही जाती है। नेक्स्ट जो है आपका साइंटिफिक नेम क्या है कि शोल्डर, आपके शोल्डर ब्लेड का, देखो स्कैपुला जो है वो शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, और ठीक है ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। स्कैपला को आप शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाएंगे, या फिर हम कहेंगे कि जो स्कैपला है उसको शोल्डर। ठीक, उसके बाद कोलर बोन, कोलर बोन जो होती है हमारी, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं और ये आपका क्लेविकल बोन भी है। ठीक है, क्लेविकल बोन भी है कोलर बोन, और आपका इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ब्यूटी बोन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है, तो आप क्लेविकल बोन को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक नी कैप का मैंने आपको बताया, पटेला जो है घुटने का जो जॉइंट होता है उसके ऊपर जो एक कैप लगी होती है, नी कैप जिसे हम कहते हैं, उसे पटेला कहा जाता है साइंस में। बोन स्ट्रक्चर मिक्स किसका होता है, बोन स्ट्रक्चर जो मिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिसिंग में होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में क्या क्या प्रोडक्शन, बोन मैरो के अंदर मैंने आपको बताया था ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या ब्लड कैंसर की बीमारी है, और वो हमारे सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि ब्लड कैंसर हमारे बोन के अंदर जो है आपका आरबीसी, उसके बाद जो है आरबीसी हमारे बोन में बनता है, फिर आपका जो है नेक्स्ट आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स हमारी बोन में बनती है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे बोन के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन ऑक्यूपेशन टेक्निक। ये जो टेक्निक होती है उससे क्या है कि व्यक्ति की उम्र का सही सही हम इसके द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, यहां पे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमने कभी डायनासोरस को नहीं देखा, ठीक है, पर डायनासोरस की उम्र, वो कितने साल से कितने साल पहले पृथ्वी पर थे, कब उनका अंत हुआ,
और जो अभी हमें अवशेष मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं, ये सब हम इसी टेक्निक के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिससे हम उस व्यक्ति की या फिर उन अवशेषों की, जो अवशेष हमें पुरातत्व जमीन से गड़े हुए मिलते हैं, या फिर कई बार क्या है फॉरेंसिक क्राइम के अंदर भी ये काफी अच्छा लोग काम करता है। इसमें क्या है कि आपको पुलिस को जो है या फिर किसी भी हमारी इंक्वायरी टीम को ये हेल्प मिलती है कि वो चीज वो घटना कब घटी या कब से जमीन के अंदर है, ठीक है, या इसकी उम्र क्या हो सकती है, आदमी कितना पुराना है, तो ये सब जानकारी जो है हमें बोन ऑक्यूपेशन टेक्निक के द्वारा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कितने का किस प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जो है मल्टी एंगुलर जॉइंट्स होते हैं, मल्टी एंगल जॉइंट, ये कई प्रकार के कोनों के, बॉल एंड सॉकेट जो है मल्टी एंगल मतलब ये अलग अलग कोन में काम करने वाले जॉइंट होते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आप एग्जाम्पल दिया था आपको आपके शोल्डर का, शोल्डर जो है हर एंगल में आपके लगभग मूव कर सकता है, ठीक है, चाहे से पीछे लेकर जाएं या फ्रंट पर जाएं, बैक में जाएं, ऊपर जाएगा या राउंड में होगा या रोटेशन होगा, सेमी रोटेशन होगी, फुल रोटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूटी बोन, मैंने आपको बताया क्लेविकल बोन को जो है ब्यूटी बोन कहा जाता है। फिबुला बोन आल्सो कॉल्ड काफ बोन, देखो फिबुला जो है, फिबुला बोन जो है हमारे काफ के अंदर में काफ मसल्स के साथ अटैच मिलती है और इसलिए इसको काफ बोन भी कहा जाता है। गाइज, ये सब जो शॉर्ट्स नेम्स मैंने आपको दे रखे हैं ये इसीलिए हैं कि बोर्ड जो है हमसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट अप कर लेता है कि डायरेक्ट हड्डियों से न चल के उनके साथ जुड़ चलने वाले जो हैं पार्ट्स के थोड़ा द्वारा हमने उनसे भी पूछ सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कल, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फेस होता है, जो हमारा स्कल है गर्दन के ऊपर जो जॉइंट है, जो स्कल है हमारे हेड का जो जॉइंट है, या फिर हमारे जो बाकी जॉइंट्स हैं स्कल के, वो इनमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमूवेबल जॉइंट्स में सबसे पहला ऑप्शन आपका स्कल का ही आता है और उसके बाद आपके रिब्स जो आ जाती हैं वो आपके चेस्ट के जॉइंट, जो आपका रिब्स केज का जो जॉइंट्स है वो इनमूवेबल में आ जाते हैं, परंतु स्कल जो है सबसे बड़ा इनमूवेबल जॉइंट्स एग्जाम्पल है और हम सबसे ज्यादा आंख बनकर यहीं टिक कर देते हैं। तो अगर ये पूछा जाए हमसे कि मैंडेला मूवेबल जॉइंट्स हमारे शरीर के किस अंग में है, और वहां पे ऑप्शन में स्कल तो जरूर होगा क्योंकि ये आपके जबड़े का जोड़ है, पर स्कल हमारा जो है इनमोबाइल जॉइंट है, ये सोचकर हम उसको इग्नोर कर देंगे और डेफिनेटली करते भी यही है। पर यहां पे हमें ध्यान देना है कि मैंडेला सिर्फ स्कल के अंदर एक ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल है, समझे समझे कि नहीं, मैंडेला जो है एक ऐसा जॉइंट है जो मूवेबल है, ठीक है। इसके लिए हम बात करते हैं आपका रिस्ट बोन, हमारे जो है कार्बल बोन है, नेक बोन को, नेक बोन जो है आपका सी, देखो यहां पे आ गया नेक बोन, नेक बोन आपकी गर्दन की हड्डियां कौन से, गर्दन की हड्डियां सर्वाइकल वर्ट्रेबा जो है वो पूरी गर्दन की हड्डी है 1 से 7 तक, सर्वाइकल वर्ट्रेबा 1 से 7 तक चलती है, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, 1 से 7 तक जो है आपकी सर्वाइकल वर्ट्रेबा है और ये आपका जो है नेक बोन के लिए यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। टीथ ज्वाइंट हमारे कैसे हैं यहां पे देखिए, अब टीथों के जॉइंट, टीथ जॉइंट्स हमारे कौन से, इनमूवेबल जॉइंट्स है टीथ, ठीक है। दांतों के जोड़ जो है मूवेबल तो है नहीं, इनमूवेबल जॉइंट्स है, उनमें हरकत नहीं होती, वो तो टूट के अलग ही हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रू रिप्स की। देखिए, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। हमारी जो अस्थियां हैं, अस्थियों के ऊपर के 7 पैर जो हमारी पसलियां हैं, पसलियों के ऊपर के 7 जोड़े मतलब एक साइड की ऊपर की 7 पसलियां जो हैं ट्रू रिप्स कही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद की जो 3 पसलियां हैं वो फ्लोट आपका फॉल्स रिप्स में काउंट होती हैं, और जो नीचे वाली 2 पसलियां हैं वो फ्लोटिंग रिप्स में काउंट होती है क्योंकि वो पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी से तो होकर आती है परंतु आगे की तरफ जो है हमारे स्टनम में नहीं अटैच होती है या फिर रिप्स के साथ कहीं नहीं अटैच होती है, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिप्स कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिप्स के साथ जो ज्वाइंट कनेक्ट, स्टर्नम के साथ जो रिप्स को कनेक्ट करता है उस जॉइंट को क्या कहेंगे, ये हाइलेन कार्टिलेज जो है, हाइलेन कार्टिलेज जो है हमारे स्टर्नम के साथ हमारे रिप्स को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक। पेक्टोरल ग्राइंड, आपका जो क्लेविकल जोड़ है वो पेक्टोरल ग्राइंड, वहां पे पेक्टोरल ग्राइंड आपके पाए जाते हैं, ठीक है। बोन फॉर्मिंग द सेल, ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स के द्वारा ही बोन का जो है फॉर्मिंग होती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है उसके द्वारा जो है आपकी बोन की फॉर्मिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कमर के निचले भाग में दर्द कहां होता है। देखिए, कमर के निचले भाग में दर्द कहां होता है, कमर का निचला भाग कौन सा है, ऊपर ऊपर का जो भाग हो गया वो तो C1 से C7 तक हो गया है,
क्लाविकल आपका सर्वाइकल में आ गया, उसके बाद आता है ट्यूम्बर, ट्यूम्बर के बाद आपका ल्यूम्बर, ल्यूम्बर जो है 1-5 कमर के निचला पोर्शन है, ठीक है। तो आपका जो कमर के दर्द की शिकायत होती है वो कहां होगी, वो ल्यूम्बर 1-5 के बीच में होगी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन अगर बनता है कि कमर के निचले भाग में दर्द कहां होता है, तो हम सीधा सा जवाब देंगे कमर के निचले भाग में दर्द आंसर होगा हमारा ल्यूम्बर में, ठीक है। ल्यूम्बर वर्टिब्रा जो है उसके अंदर कमर का निचला भाग है, वो कमर के निचले भाग में पाई जाती है और हमारा दर्द वहीं पर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैंडेला किस प्रकार का जॉइंट है, मैंडेला के अमोवेबल जॉइंट्स है, कहां पाया जाता है, जबड़े में, हमारे जॉ में, ठीक है। और जॉ का एक रोग आप अभी याद कर सकते हैं, जॉ रिकॉर्ड आपका जो है कहीं पे लोहा वगैरह अगर जंग सहित अगर आपको लग जाता है, ठीक, तो उससे आपको टिटीनेस हो जाता है और टिटीनेस से आपको जॉ का रोग भी होता है, ठीक है। चलिए यहां पे हम एक बोन, जो बोन क्रेनियम आर जॉइंट, मतलब क्रेनियम से जो बोन के जॉइंट वो सेट्रेस, मतलब आपका सेट्रेस जो बोन है वो है, न्यून बेबी में 270 हड्डियां होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं गाइज हमारे एक्सल सिस्टम, एक्सल सिस्टम जो एक्सल जो हमारा अब स्केलेटन सिस्टम है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे सर में कौन कौन से जोड़ हैं और कितनी हड्डियां हैं उनकी, ठीक है। एक्सल सिस्टम ये जरूरी है क्योंकि पूछ लेता है, और कई बार मोस्टली पूछा ऑक्यूपिटल बोन से पूछता है कि हमारे शरीर में ऑक्यूपिटल बोन कितनी है। ऑक्यूपिटल पर हमारे पीछे गुद्दे की हड्डी, देखिए यहाँ पे जो आपका सर है, ऊपर ये सर है, सर यहाँ पे आके इस जगह खत्म हो रहा है, ठीक है। ये पीछे की तरफ जो आपका सर खत्म हो रहा है, ये आपके ऑक्यूपिटल बोन है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही बोन होती है, राइट, और ये कमजोर भी होती है, तभी कहते हैं कि पीछे गुद्दी पे आप किसी को चपेट मत लगाइए, क्योंकि वहां लगने से दिमाग पे असर पड़ता है, जिससे आदमी की डेथ हो सकती है। और दूसरा बात, यही ऐसा जोड़ है, जगह है, जहां से हमारी जो सारी नसें हैं ब्रेन के साथ अटैच होकर, जितनी भी हमारी सारी नसें हैं वो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। ये सारी हमारी नसें जो है रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जाके हमारे नीचे से निचले पार्ट में और ऊपर आपका लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों दोनों के अंदर जो है ये फैली हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे चोट लगती है तो उन नसों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पैरालाइज भी हो सकता है या फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। ये सबसे कौन है आपका जो यहाँ पे कहा जाता है कि जो इसका पूछ है, मतलब गुच्छा जहां होता है वो आपका ऑक्यूपिटल बोन के पास होता है, ठीक है। क्लाविकल के पास जो है आपका नसों का गुच्छा आता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पेट्रियल, पेट्रियल बोन जो आपके जो सर की जो हड्डी होती है, फ्रंटल के बाद की जो हड्डी है, ये आपके दो भाग में डिवाइड होती है, ठीक है। पेरिटियल बोन होती है यहाँ पे, ये आपके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरियल बोन आपके साइड की बोन होती है, टेम्पोरियल बोन जो है आपके साइड की बोन होती है, ये वाली बोन जो आपके कान के इस पीछे की तरफ से इस वाली हड्डी पे, ये वाली हड्डी जो है सर की, ये आपके आपका टेम्पोरियल बोन है, ये भी दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। फ्रंटल आपका एक ही बोन होती है, वो जो सामने आपका देख रहे हैं माथा, ये फ्रंटल बोन में आपके काउंट होता है, ठीक है। एथमॉइड बोन जो है हमारी आंख के पीछे का हिस्सा है, जिसके ऊपर हमारा नोज, नर्व कैविटी वगैरह ये सब डिपेंड होती है, वो एथमॉइड बोन है, ठीक है। ये आंख के ये अंदर है हमारे स्कल के अंदर, आपको देखने को मिलेगी, बाहर से आप इमेज में नहीं देख सकते हैं, तो ये हमारी एक ही होती है। और स्नेट बोन भी हमारी एक ही होती है, ठीक है, जो आपके कानपट्टी के, ये भी आपके जो है शरीर फेस के जो स्ट्रक्चर है हमारा स्कल है, इसके अंदर 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 का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेशियल बोन्स की, हमारे जो फेशियल बोन्स वो कितने, देखिए फेशियल बोन्स यहाँ पे आपके टोटल मैंने 14 बताई है, 14 हमारी फेशियल बोन्स है जो हमारे चेहरे पे जो फेस पे नजर आती है, टोटल वो 14 बोन्स है। इसके अंदर दो बोन्स तो हमारी नेजल्स में होगी, नेजल कैविटी में, मैक्सुला में आपकी दो बोन्स होती है, मैक्सुला आपका ये साइड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंडिला आपका जबड़े का पार्ट है, ये एक ही बोन है आपकी मैंडिला हमारी, ठीक। नेक्स्ट आपका वेमर जो है आपका नाक के अंदर का भाग है, ठीक है, वो अंदर आपके जो स्कल के अंदर के पोर्टिशन है उसके अंदर आते हैं वेमर, वो भी एक है। जगमेटा आपकी दो बोन होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक। तो उसके बाद आपका इंटरफेरिया नेजल क्या जो वो भी नाक के अंदर के पार्ट है, वो आपके इस साइड अंदर की तरफ मिलेंगे, वो अभी आपके दो होते हैं। और उसके ऊपर लेक्रेना जो है वो भी आपके दो बोन्स होती हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड बोन्स की, हाइड बोन्स जो छुपी हुई बोन्स होती हैं, वो उसमें आपकी जो 6 बोन्स में ईयर्स की बोन्स बता रहा हूं आपकी, ये आपका मेलेनस राइट लेफ्ट एंड इनकस राइट लेफ्ट और स्टेपिज राइट लेफ्ट। देखिए राइट कैन इधर आपके लेफ्ट कान में भी जो है 3 हड्डियां और राइट कान में 3 हड्डियां, या तीनों हड्डियां जो है हम काउंटेबल नहीं है आपका, काउंट नहीं करते हैं। और थोड़ा इससे रिलेटेड जो है ऑप्शन आप जरा ध्यान से टिक कीजिएगा, क्योंकि जो बोर्ड हमसे पूछ लेता है कि हमारे स्कल में कुल कितनी हड्डियां हैं,
वहां पे हम पढ़ के जाते हैं 28, ऑप्शन में होती है 22, क्योंकि जब हमने पढ़ी है तो उसके अंदर कान की हड्डियां जो है हमने ऐड कर ली, तो हमने 28 हो गई। पर देखिए यहां पे छोटा सा मैथ आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर वहां पे ऑप्शन 22 है और 22 है, 24 है, 32 है, मतलब 22 है, 28 नहीं है, तो आप 22 को टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कान की हड्डियां जो है बोर्ड ने अपने आंसर में हटाई हुई हैं। और अगर वहां पे 28 है और 22 नहीं है तो आप 28 को टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ईयर्स की बोन है, जो कान की 6 हड्डियां हैं, वो बोर्ड ने अपने आंसर के अंदर ऐड की हुई है। ये छोटा सा खेल क्या है ना, बोर्ड खेलता है, इसमें हमें कंफ्यूज करता है। हम पढ़ के जाते हैं कुछ और उस हिसाब से हमने पढ़ा नहीं होता, क्योंकि यहां अगर हम 28 में आपको हड्डियां बताऊंगा कि हमारे स्कल में 28 हड्डियां पाई जाती है, तो इसका मतलब यह कि इसके अंदर ईयर्स की जो बोन्स है वो भी इंक्लूडिंग है। बट अगर मैं यहां बात करता हूं कि हमारे एक्सेल सिस्टम में जो टोटल 80 हड्डियां होती हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी ईयर की बोन इंक्लूडिंग नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके स्कल में टोटल 22 हड्डियां होंगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि 22 हड्डियां हमारी कहां है। ठीक है, ऑप्शंस को जरा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर टिक करें। बोर्ड क्या हमसे यही खेल खेलता है, हमें पता सब कुछ होता है, हम पढ़ते सब कुछ है, याद हमें सब कुछ रहता है, पर जो बोन जब बोर्ड हमसे पूछता है उस वक्त उसके क्वेश्चन को हम अच्छे से नहीं रीड करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके ऑप्शंस में जो है खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें तो हम वही आंसर टिक करेंगे जो वो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है, हमने वो चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, आपकी यहां किसी की भी तैयारी इतनी कम नहीं होती है कि वह अच्छे से पेपर को इजिली क्रैक ना कर सके, पर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पेपर को जो है ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, पेपर जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन के पहले अक्षर से लेकर लास्ट के वर्ड तक, देखिए पहला वर्ड और लास्ट के वर्ड तक आपको ध्यान से पढ़ना है, बीच में कहीं मिस मत करो, और लास्ट का वर्ड भी ये सोचकर मत छोड़ो कि हां मैं अपने क्वेश्चन समझ लिया। वो लास्ट के वर्ड में अगर नहीं लगा देगा ना, क्वेश्चन पॉजिटिव जा रहा है और उसने आखिरी में नॉट का यूज कर दिया या नेदर का यूज कर दिया या नहीं का यूज कर दिया, तो क्वेश्चन तो नेगेटिव हो गया। वहीं अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव जा रहा है और उसने आपका नेदर का यूज कर दिया, कोई पॉजिटिव वर्ड लगा दिया है या फिर हां लगा दिया है या हो सकता है, तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव हो गया, और उसी एक वर्ड की वजह से वो आप नेगेटिव समझ के आंसर दे रहे हैं, वो पूछ पॉजिटिव रहा है, तो इसलिए फर्स्ट टू लास्ट तक जरूर जाइएगा। ठीक है, तो इसके ध्यान यहां पे भी ध्यान है कि हमारे स्केलेटन में कुछ हमारे स्केलेटन हमारे स्कल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हैं। ऑप्शन अगर आपका आता है 28 और 22 साथ साथ, तो दोनों लगाइए, 22 आता है तो 22 लगाइए, अगर 28 नहीं है और अगर 28 है 22 नहीं है तो 28 लगाइए। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है, पर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए डायरी में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बोन्स की। नेक्स्ट हमारा आता है, अब आता है हमारा वर्टीब्रल कॉलम, मतलब अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी हमारी रीढ़ की हड्डियों की। रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं? देखिए, 7 हमारी सर्वाइकल बोन होती हैं, 12 हमारी ट्यूमर बोन्स होती हैं, लुम्बर की 5 होती हैं, उसके बाद सेक्रम 1 होता है और एक कौशिक। सेक्रम और कौशिक एक ही हड्डी में, मतलब एक साइड ये ज्वाइंट होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही बोन में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं थ्योरिक केस, मतलब रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियों की मैंने बताया था, रीढ़ की हड्डियां सॉरी चेस्ट की हड्डियां हमारी जो पसलियां हैं, रिप्स जो है हमारी, थ्योरिक केस इन्हें कहा जाता है रिप्स में, क्योंकि ये आपका ट्यूम्बर से अटैच होता है। ठीक है, ट्यूम्बर से स्टार्ट होती है, ट्यूम्बर से अटैच होकर ये जो है ट्यूम्बर पर खत्म हो जाती है, इसको थ्योरिक केस कहा गया। वहां से ये जाल बुनकर आता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करता है। इसके अंदर हमारे लंग्स भी हैं, हार्ट है आपका, पैनक्रियाज है, स्टमक है, लीवर है, जितना भी हमारा जो जरूरी का आइटम है वो सब इनके अंदर सुरक्षित है रिब्स को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये टोटल 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 हमारी रिब्स होती हैं और एक आपका जो स्कम स्टर्नम होता है। ठीक है, टोटल हमारी रिब्स कितनी होती हैं? 24, 12 पेयर। ठीक, क्वेश्चन यह भी बनता है कि टोटल हमारी रीढ़ की हड्डियां कितनी है, तो आप आंसर देंगे 12 पेयर, मतलब 24। ठीक है, अब वहां पर क्वेश्चन पूछता है कि हमारी ट्रू रिब्स कितनी है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो 7 है, मतलब ऊपर के जो 7 जोड़े हैं वो हमारे ट्रू रिब्स में, यानी कि 14 जो है आपकी ट्रू रिब्स हो गई हैं। अब वो पूछता है कि हमारी फॉल्स रिब्स कितनी है, तो ऊपर के 7 के बाद के जो 3 पेयर हैं वो हमारे फॉल्स रिब्स में काउंट होते हैं, मतलब कि 6 हमारी फॉल्स रिब्स हो गई हैं। और नेक्स्ट फ्लोटिंग रिब्स की बात करता है, तो ऊपर के 7 ट्रू रिब्स, 3 आपका फॉल्स रिब्स और बचे 2 वो क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। तो वो 2 फ्लोटिंग रिब्स, मैंने कि हमारी फ्लोटिंग रिब्स होगी 4, तो 4 हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है।
ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ भी आपसे छुपा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सब पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और ब्रेन को जो है अपने ओपन रखिए, शांत रखिए जब आप पेपर देने जाते हैं या कोई भी क्वेश्चन आप रीड करते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, खास तौर पे क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि आप पूरे सारे के सारे 200 क्वेश्चन आराम से रीड कर सको और अटेम्प्ट कर सको, वो भी मात्र 120 मिनट में। ठीक, पर हम आंसर जल्दी तभी दे पाएंगे जब हम पर्सन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसीलिए आप पर्सन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका बनता है क्वेश्चन, वो ये भी बनता है कि हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी, सॉरी हमारे शरीर में जो है टोटल रीढ़ की हड्डियां, सॉरी रीढ़ की नहीं, आपका रिप्स कितनी है। वहां पे ऑप्शन में अगर आपका 25 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे स्टर्नम जो है वो आपका जॉइंट क्या हुआ है, इस चीज को मत भूलिए। ठीक है, अगर स्टर्नम जॉइंट इंक्लूड है तो 25 होंगी, और अगर जो स्टर्नम हमारा एक्सक्लूड है तो 25 नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा जो मेन सिस्टम है जिसके अंदर मात्र कुल मिलाकर 206 की जगह 126 हड्डियां पाई जाती हैं, वो है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, 126 मतलब 62 और 64, 126 हड्डियां इसके अंदर पाई जाए अपेंडिकुलर सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपर अपर एक्सट्रीमिटी बोन की, ऊपर का जो हमारा एस आई एस की हड्डियों की, देखिए ये सबसे, ये जो आपके शोल्डर ब्लेयर है, ये आपका जो है शोल्डर ब्लेयर क्लेविकला है, क्लेविकला जो आपका शोल्डर ब्लेड में आता है, फिर उसके बाद आपका स्कैपुला आता है, ये पीछे का, पीछे की जो पसली, देखिए अब आप मूव कर रहे हैं ना, ये पसली जो है ये आपका स्कैपुला में आती है, ये दोनों होती है लेफ्ट राइट। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरस आपकी दो होती है, फिर अल्ना आपकी दो होती है, फिर रेडियस आपकी दो होती है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं स्कैपुलॉइड, आपकी दो हड्डियां होती हैं, ये अब आगे हड्डियां आपकी आपकी रिस्ट के बाद की हड्डियां स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अल्ना और रेडियस, आपके कोहनी के नीचे वाले भाग में अल्ना और रेडियस दोनों हड्डियां साथ साथ होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पैर के नीचे वाले हिस्से में टीबिया और फिबिया होती हैं, देखो घुटने के नीचे का जो पार्ट है उसके अंदर दो हड्डियां होंगी टीबिया और फिबिया, वैसे ही अल्ना और रेडियस जो है आपके आर्म के अंदर मिलती हैं। ठीक है, भुजा में। ठीक है, और ह्यूमरस आपके भुजा से ऊपर मिलती है, राइट, कंधे से नीचे और कोहनी से ऊपर के भाग में ह्यूमरस मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपके कलाई के भाग के भाग की जो आपकी उंगलियां हैं इनके अंदर की हड्डियां की शुरुआत हो गई है। चलिए, इनके अंदर की हड्डियां कौन कौन से, स्कैप्टेड जो है दो हड्डियां होती है ये हमारे इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है स्कैप्टेड से ल्यूनेट भी दो हड्डियां हैं आपके लेफ्ट राइट, मतलब एक एक ही मिलती है एक साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका ट्रिक्यूट्रल भी आपकी दो हड्डियां हैं, मेटाकार्पल जो है ये आपका जो उंगलियों का पार्ट है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ये आपका उंगलियों का हिस्सा है जहां पे अंगूठी आप पहनते हैं। ठीक है, उंगलियों के जिन भाग पे आप अंगूठी पहनते हैं उन्हें मेटाकार्पल कहा जाता है, और ये मात्र 10 है हमारे अंगूठे में भी होती है और उंगलियों में भी। ठीक है, इसके भाग को, इसके बाद के भाग को जो हम कहते हैं वो आपको फ्लैंक्स कहा जाता है, फ्लैनेक्स कहा जाता है उस भाग को, आपको जो उंगलियों के ऊपर वाला भाग फ्लैनेक्स कहा जाता है, ये आपके अंगूठे में नहीं होता, बाकी सब में होता है, तो ये कुल मिलाकर 8 होती हैं। ठीक है, फिर आपका डिस्टल फ्लैनेक्स जो है ये आपके ऊपर वाला भाग है, डिस्टल फ्लैनेक्स जहां पे आपका नखून होते हैं, डिस्टल फ्लैनेक्स आपके ऊपर वाला भाग जो नखून होता है, ये आपके अंगूठे में 10 होते, टोटल एक हाथ में 5 होते हैं, मतलब दोनों हाथों में 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद लोअर एक्सट्रीम की हड्डी की बात करते हैं। इलियम जो है हमारी रिप्स, आपका हिप से, हिप की बोन होती है जिसके ऊपर हमारी हिप मसल्स होती है, ग्लूटस मैक्सिमम उसके ऊपर टिकी होती है, या फिर बैठने में टोटल ये सपोर्ट करती है, चलने में भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक सॉकेट होता है जिसके अंदर बोल घुसी हुई होती है, मतलब आपका जो ह्यूमर है, फीमर है, फीमर क्या है, हड्डी है, फीमर की हड्डी जो है आपका आगे से उसका बोल नुमा आकार है, मतलब ये जो है, ये जो हड्डी है ये आपकी, ये फीमर है अगर हम यहां बात करें, और हाथ की बात करें तो ये ह्यूमरस है। ठीक है, अगर इस हड्डी में हम हाथ को लेके जाएं तो ये ह्यूमरस है, तो ये स्कैपुला का और क्लेविका का जॉइंट आ गया, और अगर हम यहां बात करते हैं पैर की तो ये फीमर हो गई है। ठीक है गाइस, और इसके अंदर जो इलियम का और प्यूबिक्स का और इशियम का जो है वो जॉइंट आ गए हैं। इलियम का ऊपर वाला भाग आता है आपका, प्यूबिक्स का आपका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, और इशियम का आपका साइड वाला पार्ट है जो इनको मजबूती प्रदान करता है। ठीक, ये तीनों भाग हैं जो हमारे हिप के जॉइंट्स को आप कह सकते हैं, उसको हिप को भी कह सकते हैं, हिप के। ठीक है,
ये आपके एक एक ही मिलते हैं एक साइड में, मतलब दोनों साइड के आपके दो दो हो गए हैं, फीमर भी आपकी दो होती है। उसके बाद आपका टिबिया और फिबिया, मैंने आपको बताया था फिबुला और टिबुला, ये जो है आपके टिबिया और फिबुला, ये जो है आपके पैर की हड्डियां जो घुटने के नीचे मिलती हैं। घुटने में नी कैप को क्या कहते हैं हम, पटेला, ठीक है, ये भी आपके दो होते हैं। घुटने का जो नी कैप होता है उसे हम पटेला कहते हैं, ये भी आपके दो होते हैं गाइस, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इसके बाद नीचे जाएंगे एंकल में, तो एंकल में जो हम जाते हैं तो हमें जो है क्यूबिड, उसके बाद नेविकुलर, मेटल का टेल्सा, लेटरल लेटरल कनिफॉर्म, मेडल कनिफॉर्म, ये सारी हड्डियां जो छोटी छोटी हमारे इसमें मिलती हैं, ठीक है। एड़ी की हड्डी को जो है हमें, एड़ी की हड्डी को जो हम कहते हैं वो आपका क्लेनेकस है, जो आपकी दो मिलती हैं एड़ी की हड्डियों को। उसके बाद आपका जो है सेम मेटाकार्पल फुट का जो है आपके 10 होते हैं, ठीक। फ्लैनेक्स आपके वही 8 होते हैं, और वह डिस्टल फ्लैनेक्स जो है आपके 10 होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल शरीर की हड्डियां जो हमने अभी तक गिनी, और उम्मीद करता हूं आपको सबको अभी जो है ये समझ में आ गया होगा कि हमारी कौन कौन सी हड्डियां मेन है और कौन कौन सा। देखो पैरों के जॉइंट को हम मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं, कार्पल और मेटाकार्पल के नाम से पैरों के जॉइंट्स को हम जानते हैं, आपके पैरों और हाथों के जो कलाइयों के बाद के और पैर टकने के बाद के जॉइंट्स हैं मेटाकार्पल और कार्पल के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी आपका ह्यूमरस, आपकी सबसे बड़ी हड्डी है, और जो उसके बाद की हड्डी है वो आपका, वो ह्यूमरस के बाद जो बड़ी हड्डी आती है वो उसमें आपका आ गया फीमर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है ह्यूमरस के बाद की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गाइस, ये था हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अभी तक हमने देखा अपना स्केलेटन सिस्टम में हमारे बोन्स कितने प्रकार के हैं, और बोन्स में जो है हमने कौन कौन सी हड्डी वो है, ठीक है। साथ में हमने इनके छोटे क्वेश्चन भी किए जिनमें हमने देखा कि बोन्स जो है हमारी बोनी आपका बोन्स किस चीज से मिलकर बना है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, और साथ में जो है आपका जो हमारे स्कल का मूवेबल जॉइंट्स है वो, और साथ में जो है आपके प्रोटेक्शन हमारे बोन्स जो है हमारी बॉडी कितने प्रकार के, ट्रू रिप्स कितनी है, फॉल्स रिप्स कितनी है, तो इन सब चीजों को जो है आप ऑब्जर्व अच्छे से याद कीजिएगा और नोट कर लीजिए ये सब चीजें। जो इनसे रिलेटेड जो नोट्स है, हार्ड कॉपी है, वो इस वीडियो के लिंक में जो है आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगी। मेरी हर वीडियो के साथ में जो है आपकी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो रही है, और इसके साथ भी ये अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कीजिए और रीड आउट कीजिए। स्केलेटन से रिलेटेड कोई भी जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई अपना अपने कमेंट्स में मैं उनका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।